हमारा तो प्लानिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, अभी तक हमने ऑपरेशन देखा, लॉजिस्टिक देखा, अब प्लानिंग में थोड़ी डिटेल में जा रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि प्लान करना कितना जरूरी होता है, इसलिए हाउ टू प्लान फॉर एन इवेंट या इंसिडेंट। ऑब्जेक्टिव है टू लिस्ट द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस, identify the IRS titles of personnel who have responsibility in developing the incident action plan and list their duties. अब planning process जो है, जो daily का plan बनेगा, ये सब जो बनेगा, उसमें कौन-कौन बंदे involved रहेंगे, उनकी उन्होंने क्या-क्या काम करने हैं, बड़ा सा मैंने discuss करा है, लेकिन अब थोड़ा detail में जाएंगे। As part of an exercise, identify the incident objective for a simulated scenario. अभी तक आप जैसे सिमुलेटेड सिनेरियो के ऑब्जेक्टिव्स आप आइडेंटिफाई करते आ रहे हो ना, एक सिनेरियो पे यहाँ फिर करना है। एज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज डिस्क्राइब द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स टू मीट इंसिडेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर सिमुलेटेड सिनेरियो। एक्सप्लेन यूज ऑफ ऑपरेशनल पीरियड, ये जो शीट है इसका यूज एक्सप्लेन करना है, एंड हाउ ऑपरेशनल पीरियड्स आर डिराइव्ड, कैसे डिराइव होते हैं ऑपरेशनल पीरियड, हमने किया था ना कल, ऑपरेशनल पीरियड आप कैसे डिवाइस करते हो, टाइम कंसिडरेशन क्या है, टाइप ऑफ इंसिडेंट, ऑपरेशनल पीरियड किस कितने टाइम का बनता है, मैंने कल थोड़ा डिस्कस किया था इसके बारे में, नॉर्मली डे लाइट आवर्स, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, या सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, नॉर्मली ऐसे बनेगा, 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, ऐसे ही बनेगा ना। कभी कभी फायर इंसिडेंट में जहां पे हाई स्ट्रेस एनवायरमेंट है, आपको एक ही दिन में 2 ऑपरेशनल पीरियड ही बनाने पड़ सकते हैं, स्पेशली फायर इंसिडेंट में हो सकता है कि सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और फिर दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक, 6-6 घंटे का ऑपरेशनल पीरियड, क्योंकि फायरमैन जो फाइट कर रहे हैं फायर में, हाई इंटेंसिटी उसमें वर्क है, उनको रिलीफ देना बहुत जरूरी है, तो एक टीम 6 से 12 बजे तक काम करेगी, दूसरी टीम 12 बजे से शाम के 6 बजे तक, और फिर तीसरी टीम है या पहली वाली टीम के रेस्ट कर चुकी है, तो शाम के रात के 6 बजे से शाम के 6 बजे से रात के 12 तक फिर वो पहली टीम काम कर सकती है, या तीसरी टीम आ जाएगी काम करने, क्योंकि आग बुझाने में तो हमने पानी ही उस तरफ फेंकना है ना, उसमें कोई आपको लाइट वाइट इतनी नहीं चाहिए, एट द बेस ऑफ द फायर आपने पानी डालना है, तो वो 24 घंटे भी काम चल सकता है, अलग अलग शिफ्टों में आपको शिफ्ट का टाइम कंप्रेस करना पड़ेगा, आपको 6-6 घंटे के ऑपरेशनल पीरियड बनाने पड़ेंगे, या 8-8 घंटे के, डिपेंडिंग कि आपको कितने रिसोर्सेज हैं, तीन शिफ्टें चलाना चाहते हो, 4 शिफ्टें चलाना चाहते हो, उसके हिसाब से। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ 10015 एंड अदर फॉर्म्स व्हिच मे बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द आईएपी। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन आईएपी शुड बी प्रिपेयर्ड इन राइटिंग। मैंने बताया था आपको राइटिंग में इंसिडेंट एक्शन प्लान कब बनता है, जब टाइम आपको ज्यादा टाइम के लिए काम करना है, 1-2 दिन के लिए काम करना है वर्बल डायरेक्शन में काम हो जाता है, 2 दिन मैक्सिमम, 3 दिन में आप काम करो तो वर्बल डायरेक्शन में हो जाएगा, 3 दिन से ज्यादा काम करना है तो इट शुड बी एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे कुछ ना कुछ। लिस्ट द मेजर सेक्शंस इन अ डीमोबिलाइजेशन प्लान एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप एक्सरसाइज, डेवलप एन आईएपी फॉर ए सिमुलेटेड सिनेरियो। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, इस हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से एक बार मैं आ रहा हूं उस बात पे, वॉट आर द रिजल्ट ऑफ पुअर प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो चीज जहां यूज करनी चाहिए वहां पे आप यूज नहीं कर रहे, कहीं गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो। फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप्स। तो अगर लकड़ी में आग लगी है तो कौन कौन से टाइप के यूज होंगे, और अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो कौन सा होगा, तो राइट थिंग फॉर द राइट जॉब। सारे फायर एक्सटिंग्विशर बिजली की आग पे आप नहीं कर सकते, है ना, ये बहुत जरूरी है जानकारी लेना कि अगर बिजली की तार के जलने के कारण आग लगी है उस पर अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, ना कि नॉर्मल वाला। आपको ये पता होना चाहिए कि 4 टाइप के हैं और कौन सा वाला कब इस्तेमाल होता है, उनपे पिक्टोरियल वो लिखा भी होता है, पर अब पता नहीं फायर के टाइम आपका ध्यान दोगे कि नहीं दोगे कि देखा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है हाथ में, पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनअप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स, मैं वो मतलब बिल्डिंग खाली करवानी है, जहां आग लग जाती है, मैं कोई तीसरी मंजिल खाली करवानी है, क्या क्या विकल्प है, मैं सबको छत पे ले गया कि कोई वो फायर ब्रिगेड आएगी, ऊंची सीढ़ियां वहां से उतर जाएंगे,
मेरे को पता ही नहीं कि यहाँ की फायर ब्रिगेड के पास ऊंची सीढ़ियां नहीं है, या मैं सोच रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर रहेगा लेकिन हेलीकॉप्टर यहाँ आ नहीं सकता। सही स्ट्रेटेजी और टैक्टिक इस्तेमाल करना होता है, गलत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि वहां पास क्या चीज उपलब्ध है क्या नहीं है। यहाँ फायर ब्रिगेड के पास है लंबी सीढ़ियां, कितनी ऊंची सीढ़ियां मैक्सिमम? 35 फुट। तो ये जो तीसरी मंजिल है कितनी ऊंचा होगा? यहाँ खिड़की तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी ना। देखा, मेरे को पता नहीं था, मैंने ऐसी अनुमान लगाया था। अब आप लोगों को पता चल गया कि अगर आग लगी तो फायर ब्रिगेड के पास इतनी लंबी सीढ़ी नहीं है कि आपको तीसरी मंजिल से इवैक्यूएट करा सके, आपको सीढ़ियों से नीचे जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आज आपको मालूम हो गया ये बात। नहीं, रहना तो फोर्थ पे भी होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारी फायर ब्रिगेड की कैपेबिलिटी क्या है, सो दैट इंस्टेंटली अगर मान लो ऐसी कोई घटना घटती भी है तो इमीडिएटली इन द बैक ऑफ योर माइंड आपको कोई याद आ जाएगा, नहीं यार डिस्कस हुआ था यार, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, तीसरी मिनट तक तो सीढ़ी पहुंचेगी, अगर मैं यहीं वेट करता रहूंगा या छत पे गया तो मेरा इवैक्यूएशन नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा रिस्क लेके मेरे को सीढ़ियों से नीचे जाने जाना पड़ेगा सेकेंड या फर्स्ट लेवल तक जहां से शायद इवैक्यूएशन होगा। सेफ्टी प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है? अगर आप प्लानिंग ठीक से नहीं करोगे तो अनसेफ तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हाई इंसिडेंट कॉस्ट, हेलीकॉप्टर भेज दो इवैक्यूएशन कराना है मुझे, ये बताना भूल गया कि मुझे दो आदमियों का इवैक्यूएशन कराना है, उन्होंने 50 वाला बड़ा वाला हेलीकॉप्टर भेज दिया, या मुझे 50 बंदे इवैक्यूएट कराने थे, मैंने कहा हेलीकॉप्टर भेज दो, उन्होंने छोटा वाला भेज दिया, तो कॉस्ट बढ़ जाता है ना। एक हेलीकॉप्टर को 6 ट्रिप लगाएगा या फिर दूसरा बड़ा वाला बाद में चलाएगा, तो आपको दो को किराया देना पड़ेगा बजाय एक के। आप एक का किराया लेके बच सकते थे और आपको दो हेलीकॉप्टर का किराया देना पड़ेगा। लो इफेक्टिवनेस, अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं करें तो लो इफेक्टिवनेस। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट नहीं करा, ये सब चीजें फेलियर। फॉर्म्स कब कब यूज करते हैं? करंट ऑपरेशनल पीरियड के लिए अपडेटेड इंसिडेंट ब्रीफिंग IRS 001, ये फॉर्म छपाई देगा, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है एक सेट, इनको फॉर्म्स को भी इसमें किताब में नहीं छपे हुए, किताब में नहीं है कोई, लास्ट में फॉर्म्स है कोई नहीं है इसके अंदर, एक है जो मैंने कॉपी करा ना, एक फॉर्म्स का भी अलग से यूनिट है, वैसे प्रिंट करके इनको किताब के हिस्सा ही होना चाहिए लास्ट में, सारे फॉर्म होने चाहिए, एक से लेके 10 तक 15 नंबर फॉर्म है, शुड बी पार्ट ऑफ द बुक। तो करंट ऑपरेशन पीरियड शुरू के 6 घंटे में ब्रीफिंग फॉर्म 001, अगले 6 घंटे में 001 फिर से, नेक्स्ट ऑपरेशन पीरियड में जो कल हम करेंगे उसके लिए क्या पूरा इंसिडेंट एक्शन प्लान डेवलप करना है। आज कुछ घटना घटी और आप लोग काम करने लग गए तो आज इसके बगैर भी हम सब काम चालू कर देंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि पहले हम इसमें पूरा सेटअप करें और फिर हम काम चालू करें, काम तो इमीडिएट पब्लिक को देखेगी ना कि इमीडिएट काम चालू हुआ कि नहीं हुआ, तो काम बांट दिया गया तो वो 001 के अंदर आप नोट कर लोगे एक्शन ऑलरेडी टेकन, कंसिडरेशन, क्या क्या ऑर्डर करा है। लेकिन कल से जो काम करना है, हमारा पूरा दिन है आज प्लान करने के लिए कि कल हम कैसे टैकल करेंगे। रिटर्न एक्शन प्लान, एक्शन प्लान में क्या होता है, जो IAP रिटर्न होता है उसमें क्या क्या चीज होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो आप लोगों ने 2-3 बार बनाए हैं, मेरे ख्याल से आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं और क्या होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से 5-6 ऑब्जेक्टिव बहुत होते हैं, इमीडिएट लंबा चलेगा तो ऑब्जेक्टिव के चेंज हो, उसको 7 दिन बाद आपका सर्च एंड रेस्क्यू वाला ऑब्जेक्टिव निकल गया, वो हो चुका है, उसको हटा दो, अगला कोई और चीज डाल दो, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक ओवर द नेक्स्ट 7 डेज, टू टेक मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, कौन, पूरा चार्ट बनेगा, जैसे ये पोजीशन है ना उनके नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे, कौन IC कौन है उसका नाम और मोबाइल नंबर, ऑपरेशन सेक्शन चीफ कौन है, उनके डेप्यूटी कौन है, सबके नाम मोबाइल नंबर ईमेल वगैरह वो चीज आएगी इसी रूप में, जैसे ये बना हुआ है इसी रूप में सबके नाम पते वगैरह सब आ जाएंगे। टैक्टिक्स और रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज आपके अवेलेबल है, वो 015 में नीचे की तरफ क्या रिक्वायर्ड है, क्या अवेलेबल है, क्या नीडेड है, किसका ऑर्डर देना है,
वो वहां पे समरी आती है पूरी पूरी। तो रिसोर्स यूनिट लीडर के पास अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्टिकल रिसोर्सेज उसके पास पता होता है। असाइनमेंट्स, वर्क असाइनमेंट्स, कौन कौन सी टीम क्या क्या काम करेगी कल के लिए, वो जो वर्क असाइनमेंट आपने देखिए ना, डिवीजन ए क्या करेगी, डिवीजन बी क्या करेगी, ग्रुप वन क्या करेगा, ग्रुप टू क्या करेगा, ग्रुप थ्री क्या करेगा, सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप क्या करेगा, वो सब चीजें असाइनमेंट्स। फिर सपोर्ट प्लान्स, ट्रैफिक मूवमेंट प्लान क्या है, अगर यहां पे कोई अर्थक्वेक आता है तो कौन सी सड़कें यहां पे आप कैसे यूज करोगे, वन वे प्लान बनाना पड़ेगा ना। मोस्टली डिजास्टर सिनेरियो में देयर शुड बी वन वे मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ओनली, ट्रैफिक जैम नहीं करने हमें। कई बार सड़कें बड़के होती है, बिल्डिंगें गिरी पड़ी है, मलबा गिरा पड़ा है, सड़कें टूटी हुई है, एक गाड़ी तो मुश्किल से निकल रही है, अगर आप उन सड़कों को टू वे रखोगे तो ट्रैफिक जैम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पहाड़ों में तो वैसे ही होता है, जहां सड़कें थोड़ी पतली है वहां ट्रैफिक जैम हो जाता है, बारी बारी से निकलना पड़ता है। डिजास्टर सिनेरियो में इट इज वेरी नेसेसरी कि आरटीओ जो है, जो ट्रैफिक पुलिस जो है, वो आपको एक ट्रैफिक मूवमेंट प्लान बना के देगा, वन वे मूवमेंट ऑफ प्लान। बेस से इंसिडेंट साइट तक कैसे जाना है, आईसीपी तक कैसे जाना है, आईसीपी से साइट तक कैसे जाना है, साइट से हॉस्पिटल तक कैसे जाना है, एम्बुलेंस कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी, कौन सा रूट लेगी इंजर्ड को लेके जाने के लिए, उस रूट को सैनिटाइज करना है कि उसको रबल से रिमूव करके रखना है कि फास्टेस्ट तरीका है इंजर्ड को वहां तक पहुंचाने का, हॉस्पिटल पहुंचाने का। फिर कम्युनिकेशन प्लान जो हमने डिस्कस किया है, जो आपके बीएसएनएल वाले बनाएंगे, जो आपके जो पुलिस के जो वायरलेस वाले हैं, वो दोनों मिलकर बनाएंगे कम्युनिकेशन प्लान। कौन से नेटवर्क काम कर रहे हैं, मान लो यहां पे कौन सा नेटवर्क चलते हैं, मंडी में कौन कौन सा चलता है, सिर्फ बीएसएनएल चलता है, एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, सब है। मान लो दो डाउन हो गए, दो नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक चल रहा है या दो चल रहा है, तो उनकी रीरूटिंग कैसे होगी, वो डेवलप करना पड़ेगा। तो वो दोनों मिलके बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। वॉकी टॉकी बांट रहे हो तो वॉकी टॉकी किस किस को दोगे, और वो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन जो हमने बात करी थी कैसे कैसे करोगे। मेडिकल प्लान, इंजर्ड को कौन से हॉस्पिटल लेके जाना है, जो कट्स वट्स वगैरह लगे हुए, जिनको ब्रूजेज है उनको कहां लेके जाना है, और जिनकी हड्डियां टूटी हुई है या सीरियस केस है उनको कौन से हॉस्पिटल लेके जाना है। कोई फायदा नहीं है कि जिसको माइनर कट्स वट्स वगैरह लगे हुए उनको आप मेन हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, और जिनकी हड्डियां टूटी हुई है वो लाइन में वेट कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि इंजर्ड तो कहेगा ना मेरे को भी चोट लगी है, मेरे को ट्रीटमेंट दो। तो आपको डिवाइड करना है कि अगर हमारे यहां तीन हॉस्पिटल है तो दो छोटे हॉस्पिटल में जो माइनर इंजरीज वाले लोग हैं उनको छोटे हॉस्पिटल लेके जाओ, जिनको मेजर इंजरी है उनको सीधा, जिनके हाथ में लाल पट्टा है वो बड़े हॉस्पिटल, जिनके हाथ में येलो है या ग्रीन है वो छोटे वाले हॉस्पिटल या क्लिनिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहीं पे उनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। अगर हमारे रिस्पॉन्डर्स को इंजरी होती है वो काम उनको कहां लेके जाएंगे। ये तो पब्लिक की बात हो रही है, जो विक्टिम्स हैं, जो मेरे लोग हैं, मेरी टीम के लोग हैं, वो अगर कोई इंजर्ड होता है वो किस हॉस्पिटल जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि एक एक आदमी में काबिलियत है 15-15, 20-20 लोग बचाने की। अगर मेरा बंदा वहां लाइन में वेट कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए तो वापस ड्यूटी पे नहीं आ पाएगा, छोटे मोटे कट के लिए तो उसको हम स्टेजिंग एरिया पे, मैंने बोला ना, डॉक्टर बिठा देते हैं या बेस के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल सेटअप कर देते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पॉन्डर। लेकिन कोई मेजर इंजरी होगी मेरे रिस्पॉन्डर को तो उनको कौन से हॉस्पिटल लेके जाना है, सबको पता होना चाहिए, ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो सोच रहे कि इनको कहां लेके जाए, सर वहां में बेड है नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। शुड बी क्लियर इन राइटिंग कि इफ एनी इन केस ऑफ एनी सीरियस इंजरी रिस्पॉन्डर टू टेकन टू सो एंड सो हॉस्पिटल इमीडिएटली। फिर आपका इसमें अदर प्लान लिखा हुआ, अदर प्लान कौन सा मोन इंपॉर्टेंट है मैंने डिस्कस किया जो उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। और कौन सा प्लान है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लोग काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, खाली पेट में काम नहीं कर पाए, खाना नहीं पहुंचवाओगे, कुछ टाइम बाद वो सब बैठ जाएंगे, काम नहीं कर सकते। इलेक्शन में तो बिल्कुल देखा गया होता है ना, खाने पे ही गालियां पड़ती है इलेक्शन में, वो किसी चीज पे नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा खाने पे आरओ को इतनी गालियां पड़ती है कि सोच नहीं सकता। आरओ अच्छा है, हल्दीराम से रेंग कर दिया उसकी वाहवाही, वो किसी लोकल हलवाई से बनवाया वो पूड़ियां रबड़ की तरह, कोई खा नहीं पा रहा तो बस गालियां ही गालियां, ऐसा होता है।
दिल्ली में तो आम बात है, जब आपके 8,000 लोग आएंगे, 8,000 लोगों को आप कैसे स्टैंडर्ड आप वो दोगे। हमारी वो जो का है वो निहारिका मैडम, उन्होंने कहा हल्दीराम का खाना आना चाहिए, सब खुश, हर ट्रेनिंग में हर उसमें पूरा डब्बा पूरा क्वालिटी फूड फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ आरओ भी वही खाना खा रहा है जो मैं खा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आरओ के पास तो हल्दीराम का आ रहा है, मेरे पास पता नहीं क्या आ रहा है, ये रबड़ की पूड़ियां आ रही है जो पता नहीं सुबह 6 बजे बनी थी, रबड़ को शाम के 6 बजे परोस रहे हैं, स्मेल सी आ रही है, चाय पीने लायक नहीं है, कुछ खाने लायक नहीं है सामान, वो सब चीजें बहुत तंग करती है। खाना जो है मेजर पॉइंट है। शादी ब्याह में जाते हो क्या डिस्कस होता है बताओ, अगले दिन क्या डिस्कस होता है, दुल्हन कैसी लग रही थी, दूल्हा का कोई नहीं करता। जब कल शादी में गया था बहुत बढ़िया दावत थी, 50 तरह की डिशेस थी, मैंने तो ये भी खाया वो भी खाया, यही बात होती है कि नहीं होती है, होता है ना, खाने में बात आगे टिक जाती है। खाना कैसा था, खाना बढ़िया तो शादी बहुत बढ़िया, खाना अगर बढ़िया नहीं था तो शादी बढ़िया नहीं थी। प्लस दारू का ब्रांड, वो भी है। तो रिटर्न इंसिडेंट एक्शन प्लान प्रोवाइड्स ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन, क्लैरिटी ऑफ थॉट कि हम क्या करने आए हैं, 4-5 काम जो हमने ये करने हैं, बेसिस फॉर मेजरिंग वर्क इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर हमने मापदंड बना रखे हैं तो उसके अगेंस्ट हम मेजर कर सकते हैं कि हम कितना सक्सेसफुल हैं या नहीं। बेसिस फॉर मेजरिंग वर्क प्रोग्रेस एंड फॉर प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी, कितना काम हमने सोचा था, हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम 10 बिल्डिंग करनी चाहिए तो 10 बिल्डिंग वो सर्च एंड रेस्क्यू कर पाई कि नहीं कर पाई। एम्बुलेंस की हमने सोचा था कि एक एम्बुलेंस उस जगह से हॉस्पिटल तक 15 ट्रिप लगा सकती है, तो क्या 15 लोग या 30 लोगों को ट्रांसफर करा कि नहीं करा, एक व्हीकल में 2-2 बंदे लेके गए कि नहीं लेके गए, कहीं बाधाएं आ रही है, कहीं पे कोई ट्रैफिक जैम हो गया, कहीं रफल गिरा पड़ा सड़क पे, क्या कारण है कि वो 15 ट्रिप नहीं लगा पा रही एक दिन के अंदर, रीजन क्या है। ऑपरेशनल पीरियड क्या होता है, उसकी लेंथ कैसे डिटरमाइन होती है, ऑपरेशनल पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम शेड्यूल फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ टैक्टिकल एक्शंस एज स्पेसिफाइड इन द इंसिडेंट एक्शन प्लान। तो हमने प्लान में जो करा कि आज हम ये काम करेंगे इस अगले 8 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर, वो एक ऑपरेशनल पीरियड होता है। दे कैन बी ऑफ वेरियस लेंथ्स ऑल्दो यूजुअली ऑफ 12 और 24 आवर्स, 12 क्योंकि हर बार नया प्लान तैयार करना 6-6 घंटे में बहुत मुश्किल काम है, प्लानिंग वाले तो मर जाएंगे बेचारे, अगर आपने 4 ऑपरेशनल पीरियड बना दिया ना 24 घंटे में 6-6 घंटे के, तो प्लानिंग वाले तो सो ही नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए नॉर्मली 12 घंटे या 24 घंटे के बनते हैं। जैसे हम डे नाइट आवर कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक नॉर्मल ये होता है, आग वाग लगी हुई है तो शायद 24 घंटे भी चल सकता है 2 शिफ्टों में। लेंथ में डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, दैट इज नेचर ऑफ द इंसिडेंट, सेफ्टी एस्पेक्ट्स, स्टेज ऑफ इंसिडेंट की शुरुआत की बात है या कंट्रोल में आ चुका है। पीरियड कैन बी शॉर्टर एंड मे इंक्रीज लेटर एज द इंसिडेंट स्टेबिलाइजेस, शुरू शुरू में छोटे प्लान, आग लगी हुई है तो 6-6 घंटे के प्लान, 8-8 घंटे के प्लान, जैसे आग काबू में लगी आपका बाकी सारा काम है तो 12-12 घंटे 15-15 घंटे के प्लान ही बन सकते। कितना टाइम चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, ये भी डिटरमाइन करेगा कि आपका ऑपरेशनल पीरियड कितना लंबा है, जो काम आपके हैं। जैसे शुरू में सर्च एंड रेस्क्यू होता है, अगर अर्थक्वेक सिनेरियो में सर्च एंड रेस्क्यू करना है तो आप ऐसे नहीं करोगे ना कि 8 घंटे के बाद आप आराम करने चलेंगे जब पता है कि लोग फंसे हुए हैं और मर सकते हैं। इनिशियल वो क्या गोल्डन पीरियड होता है ना, 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम बंदे जिंदा रहते आप निकाल सकते हो, 24 घंटे के ऊपर फिर उम्मीद कम होती है कि कोई किसी को आप बचा पाओ। तो शुरू शुरू में अगर आपके पास ऐसा मेजर है कि जहां अर्थक्वेक है, बिल्डिंगें गिरी पड़ी हैं, लोगों को इवैक्यूएट करना है, उनको ढूंढना है, तो आपके लंबे लंबे ऑपरेशनल पीरियड हो सकते हैं या 6-6 घंटे के 2-3 बना लोगे, लगातार काम चलेगा। फिर जब सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, डेब्री रिमूवल, वो भी नॉर्मल आपके 10-10 घंटे के बन सकते हैं, वो फिर आप सुबह जाओ रात को खत्म करो, सुबह जाओ रात को खत्म करो, पर जब तक आग लगी हुई है, जब बंदे फंसे हुए हैं, तब तक आपका शायद 24 घंटे आपका काम चलता रहेगा। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड और ऑपरेशनल पीरियड कंसिडरेशन, कई बार इतना अनसेफ हो जाता है, बारिश चालू हो गई, आप सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हो, रात हो गई है, बारिश भी चालू हो गई है, अब थोड़ा स्लिपरी
मिट्टी विट्टी में फिसलन कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है तो आपको रोकना ही पड़ सकता है। हाँ फ्यूचर इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्प्यूट जुरिस्डिक्शन एनओ एजेंसीज, आज आपका साधन कम है, आपने 8 घंटे का सोचा, लेकिन कल आपको पता है कि एनडीआरएफ का बटालियन आ जाएगा तो आप 12 घंटे 24 घंटे का प्लान भी बना सकते हैं। आज आप अपने ही लोग इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास लोग भी कम है, साधन भी कम है, उपकरण कम है, आपने छोटा प्लान बनाया, कल आपको पता है कि स्पेशलाइज एजेंसी एनडीआरएफ आ रहा है या बाकी स्टेट से या और डिस्ट्रिक्ट से भी टीमें पहुंच जाएंगी, तो आप ज्यादा के लिए भी प्लान कर सकते हो। प्लान लंबा छोटा क्या होता है, काफी चीजों पर निर्भर करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन की डे लाइट कितनी बची हुई है या वेदर कैसा है, सेफ्टी कंसिडरेशंस कितना सेफ है काम करना अंधेरे में, ये चीज भी इफेक्ट करेगी कि आप ऑपरेशन पीरियड कितना लंबा बनाओगे। जब हम इंसिडेंट की प्लानिंग करते हैं सबसे पहले क्या है, उसी चीज को मैं फिर से दोहरा रहा हूं जो पहले दोहरा रहा हूं, सबसे पहले भी आपको अंडरस्टैंड एंड एक्सेस द सिचुएशन, क्या हुआ है, कितने लोग प्रभावित हैं, कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया इफेक्टेड है, कितने पॉपुलेशन है जो वहां पे रहती है, और हमें क्या क्या कितना कितना काम हमें करना पड़ेगा। एस्टैब्लिश द इंसिडेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी, पहले असेस करने के बाद देन यू ड्रॉप योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पावर चली गई पूरी मंडी डिस्ट्रिक्ट की, लोगों से बात करी, सर 8-10 घंटे लग जाएंगे रिस्टोर, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव रेस्टोरेशन ऑफ पावर विद इन नेक्स्ट 8 आवर्स, सैनिटेशन इफेक्ट हो गया, रेस्टोरेशन ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज, पीने का पानी इफेक्ट हो गया उसका, आपका सर्च एंड रेस्क्यू चल रहा है कैसे करना है, आग लगी हुई है आग बुझानी है उसका आप सेटअप करोगे, डेबरी है रबर वबर उसको रिमूव करना है उसका, इंजर्ड को ट्रांसपोर्ट करना है उसका ऑब्जेक्टिव, देन डेड बॉडी रिमूवल हो गया, सब कुछ हो गया, डेबरी रिमूवल हो गया, तो हर एक का एक ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। डेवलप टैक्टिकल डायरेक्शन असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव बन गए और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए टैक्टिकल वर्क असाइनमेंट कैसे, कितने लोग लगाओगे उस काम को पूरा करने के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ ऑल इंजर्ड विद इन नेक्स्ट 8 आवर्स, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। वर्क असाइनमेंट क्या है, मैंने 5 टीमें कर दी, उनको मैंने एरिया बांट के भेज दिया कि आपने सर्च एंड रेस्क्यू करना है, आपने करना है, आपने करना है, ये आपका एरिया है, गली नंबर 1 और 2 आपके पास है, 3 और 4 आपके पास है, 5 और 6 आपके पास है, 7 और 8, 9 और 10 10 गलियां मैंने कवर कर ली इस एरिया की, ये डिवीजन 1 गली नंबर 1 से 10 आपके पास 5 यूनिट है 2-2 गलियां, डिवीजन बी गली नंबर 11 से 20 5 डिवीजन आपके पास 5 यूनिट है ऐसे, तो वर्क असाइनमेंट आपको देनी पड़ेगी टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। देन यू प्रिपेयर द प्लान, जब आपने कर लिया सारा रिसोर्सेज बांट लिए कैसे कैसे काम चलेगा, देन यू स्टार्ट पुटिंग इट अप इन राइटिंग, तो ये 015 पूरा बनेगा राइटिंग में, साथ साथ आपका कम्युनिकेशन प्लान बनेगा राइटिंग में, मेडिकल प्लान बनेगा राइटिंग में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनेगा राइटिंग में, उस जगह के नक्शे होंगे, नक्शों में फैसिलिटी कहाँ कहाँ सेटअप करी हुई है, बेस कहाँ है, कैंप कहाँ है, हेली बेस कहाँ है, हेलीपैड कहाँ है, आईसीपी कहाँ है, फिर उसके अंदर कौन सी सड़कें ओपन है, कौन सी सड़कें क्लोज है, व्हाट इज द ट्रैफिक रूट प्लान, वन वे कहाँ कहाँ वन वे है, कहाँ कहाँ टू वे है, चौड़ी सड़कों में टू वे चल सकता है, पतली सड़कों में वन वे होगा, कहां से आना है कहां से जाना है, वीआईपी की मूवमेंट क्या रहेगी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होएगा, अब खाना जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ट्रक निकल गया तो आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले डिलीवरी होगी डिवीजन ए को, फिर ए की ट्रक जो है वो 5 डिवीजन को सप्लाई करेगा, डिवीजन ए बी सी डी ई, तो ई वाले को पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ पे खाना जो है दोपहर के 2 बजे पहुंचेगा, डिवीजन ए को पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ 12 बजे पहुंचेगा, 2 घंटे लगेंगे 5 डिवीजन में पहुंचाने में, ऐसा ना हो कि 1 बजे वो डिवीजन ई जो है फोन करना चालू, अरे मेरे लोग भूखे बैठे जी खाना खा गया, तो अगर आपने पूरा प्लान कर रखा है सबको बता रखा है तो कोई आपको फोन नहीं करेगा 2 बजे से पहले, क्योंकि 2 बजे एक्सपेक्टेड टाइम है खाने का आने का, आपने बताया नहीं, गुप्त रखा ये बात, आ जाएगा जी खाना 12 से 3 के बीच में, तो फिर आपका फोन कॉल चालू, फिर आप परेशान कि मेरा ट्रक काम घूम रहा है, ट्रक का ब्रेक डाउन हो गया, जैसे इलेक्शन में पिछली बार मेरे साथ हुआ था, 8000 डब्बे जो हमारे डीएम ने ऑर्डर करे थे आरओ ने, 8000 डब्बे लोगों के लिए, उसमें एक ट्रक का ब्रेकडाउन हो गया, पता नहीं ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ, तो जो पहला ट्रक आया
चार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में खाना बट गया, बाकी चार में खाना ही नहीं। लोग आके जमा करा के हम कह रहे हैं वेट करो, खाना आ रहा है। रात के 12 बजे के बाद खाना आया। मैं कहा बाढ़ में जाए खाना, सब लोग तो चले गए गाड़ियां लेके, मुझे बहुत लोग एनिगेशन आके चले गए, आप पैसा खा गए, आपने ये करा आपने वो करा, बाद में इतना खाना के हम करेंगे इसका। बहुत कम लोग रुके थे, मेरे अपने सेक्टर ऑफिसर मुझे गाड़ियां लेके गए, सेक्टर ऑफिसर भी गाड़ियां लेके, सर हमारे लोग हमें गाड़ियां देंगे हम आपको देंगे। और डीएम ने सेंट्रल अरेंजमेंट किया था, मैं जाके डीएम मैडम को बिहारी कार्य को पकड़ के रहा। मेरे को उस दिन फीवर 103 फीवर, मेरा गला पूरा बैठ चुका था। इवन देन आई वाज ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन। अब करें क्या, मेरे को तो ना पैसे दिए ना एंड मौके पे कहां से खाना लेते हैं। और जो पोलिंग पार्टी सुबह से जो आई है, अब उनको ना 110 रुपए दे रहे हैं जो कैश दे सकते हैं खाने की बजाय। हमने खाना अरेंज किया था, हल्दीराम का क्या था ट्रक देता हूँ, रात के 12 बजे खाना आया, वो डब्बे बाद में पड़े हुए हैं, कोई खाने को तैयार नहीं। सो यू नीड टू प्लान एवरीथिंग एंड देन यू हैव टू इंप्लीमेंट द प्लान। होना ये चाहिए था कि जब 4000 डब्बे आ गए, पता चला दूसरा ट्रक नहीं आना, उस 4000 डब्बों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हर जगह कुछ कुछ डब्बे आए थे ना, कुछ लगता कि हम दे रहे हैं बाकी आ रहा है, लोगों को पता चलता, पता चला कि वहां तो मिल गया जी, हम आपके हाथ में नहीं आएगा। एक ही ग्राउंड था जहां पे 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अब उसमें से 4 में 5 में खाना बट गया, बाकी 5 जो दूर की तरफ से गेट से वो भूखे बैठे हैं। अगर हर जगह 500 डब्बे बांट देते इट वुड हैव बीन इजी, कि जो स्टाफ है उनको तो दे दे, तो लाइन में लगा हुआ। देन कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट द प्लान, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर उसका इवेल्युएशन कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, बहुत जरूरी है। अगर कोई चेंजेस करने हैं, अगर वर्बल प्लान है तो वर्बल प्लान में इंस्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, अटेनेबल, मेजरेबल, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेटेजी डिस्कस होती है कि हम ये विकल्प है, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, इस तरीके से काम करेंगे, ये रिसोर्सेज है तो हमने ये स्ट्रेटेजी और एक्शन अपनाए, ये असाइनमेंट है। जो प्लान सामने पेश करा जाता है ना, इट शुड मेक गुड सेंस, सुनते ही लोगों को लगे कि हाँ ये हम कर सकते हैं। जो प्लान पेश करा गया है इट शुड अपीयर टू बी फीजेबल, प्रैक्टिकल एंड सुटेबल, कि वर्तमान स्थिति और वर्तमान रिसोर्सेज के हिसाब से जो प्लान पेश करा गया ये हम उसको अकम्पलिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ये लगना चाहिए हर बंदे को। बी विद इन द एक्सेप्टेबल सेफ्टी नॉर्म्स। ये एक्सेप्टेबल सेफ्टी नॉर्म क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि 100% सेफ्टी कभी आप गारंटी नहीं दे सकते डिजास्टर से लेकर। डिजास्टर हुआ है, इट इज ए डेंजरस सिचुएशन, हर बंदा जो वहां पे है कुछ भी हो सकता है। बिल्डिंग सेफ डिक्लेयर कर दी स्ट्रक्चर इंजीनियर ने, उसके बाद फिर भी कोई आफ्टर ट्रेमर हल्का सा शॉक आया कुछ हुआ, या जाते हुए एक बंदे ने बीम को हल्का सा हिला दिया तो वो चेंज हो जाती है, कोई इंजरी फिर भी हो सकती है, पर एक्सेप्टेबल लिमिट्स पे होना चाहिए। बी कॉस्ट इफेक्टिव, पैसा बचाने की कोशिश करो, किसी की जान की उस पर नहीं लेकिन कम से कम खर्चे में काम करने की कोशिश करो। बी कंसिस्टेंट विद साउंड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, वो फॉर्म है ना 001 से लेकर 10 तक, देना जरूरी होता है क्योंकि उसमें आप काम कर रहे होते हैं ना, ये मिशन कैसे बनाएंगे, अभी कम्युनिकेशन प्लान कैसे बनाएंगे, अभी मैं उनको फिर डिवीजन वाइज हम टैक्टिकल रिसोर्स असाइनमेंट देते हैं। डिवीजन है उसमें इतने डिवीजन के अंदर इतने जो यूनिट लीडर हैं उनको क्या क्या असाइनमेंट दी है, डिवीजन बी को क्या क्या दी है, सी को क्या क्या दी है, ये सब उसके अंदर आता है। एक डेली प्लानिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक प्री प्लानिंग मीटिंग होती है और एक प्लानिंग मीटिंग होती है। प्री प्लानिंग में क्या होता है, प्री प्लानिंग में सिर्फ चुनिंदा लोग होते हैं, इंसिडेंट कमांडर, ऑपरेशन सेक्शन चीफ, प्लानिंग सेक्शन चीफ, लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ, सेफ्टी ऑफिसर, डिप्टी आईसी, बस 4 या 5 बंदे। ये ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, ये डिफरेंट टैक्टिक्स के बारे में पूरी
डिस्कशन जो है ये आधे घंटे की तरह मीटिंग होती है जिसमें सारा डिस्कशन हो जाता है कि हमें क्या करना है कैसे करना है। प्री प्लानिंग मीटिंग ये शाम के करीब 7 बजे हो जाती है, 7 से 7:30 प्री प्लानिंग मीटिंग हो जाती है जिसमें ये सारे इशू डिस्कस हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्या क्या विकल्प हैं, कैसे करें, कहां से जाएं, कितने लोग लगाएं इस काम के ऊपर। ये सब डिस्कशन प्री प्लानिंग के अंदर हो जाता है जहां पे आपके बड़े बड़े मेन बंदे इन्वॉल्व होते हैं। प्लानिंग मीटिंग में जब बाकी सारे लोग भी होते हैं वहां पर ये डिस्कशन नहीं अलाउड नहीं होता, वो सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग होती है प्लानिंग। वहां पर ये जो आपने जो भी चुना है प्लान ये पेश किया जाता है सबके सामने कि मोटे मोटे तौर पे ये हम डिसाइड कर चुके हैं। उस समय ये नहीं बोलेगा पर सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ना, वो डिस्कशन हो चुका है, वो हमने कंसिडर कर लिया, सारे विकल्प हमने कंसिडर कर लिए। क्योंकि अगर आप ओपन मीटिंग करेंगे जहां पे 18-20 बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिर तो कोई मीटिंग का अंत ही नहीं हो पाएगा, डिजास्टर का सिनेरियो है ना। तो 7 बजे के आसपास प्री प्लानिंग मीटिंग में फटाफट 5-6 बंदे मिलके ये सब डिसाइड कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या क्या करना है, कितने रिसोर्सेज लगाने हैं, डिविजन असाइनमेंट, वो सब ऑपरेशन सेक्शन चीफ, प्लानिंग सेक्शन चीफ आपस में डिसाइड कर देते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग फिर वो प्लान पेश करा जाता है जनरल बाकी सब लोगों को, जहां पे आपके यूनिट हेड, रिसोर्स यूनिट लीडर, सिचुएशन यूनिट, ये सब भी ड्राइंग डायरेक्टर है वो भी उपलब्ध होंगे, आपका सेफ्टी ऑफिसर होगा, इन्फॉर्मेशन मीडिया ऑफिसर होगा, लेजर अफसर होगा, डेप्टी, ये सब होंगे। तो वो 15-20 लोगों के बीच में आप कभी नहीं चाहोगे कि ओपन डिस्कशन चालू हो जाए कि वो फिर आप अटक गए काम करने में। प्री सारी मीटिंग कौन कंडक्ट कराता है, कोई भी मीटिंग होती है कौन कंडक्ट कराता है, प्लानिंग सेक्शन चीफ। मीटिंग का रचयिता कौन है, प्लानिंग सेक्शन चीफ, वो मीटिंग को चलाता है, वो पूरी घड़ी पर नजर रखता है कि ये मीटिंग जो है आधे घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी या अगली मीटिंग जो है 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। प्लानिंग सेक्शन चीफ हर मीटिंग के अंदर उपलब्ध रहता है, वो उसका संचालक होता है उसके देखरेख में, क्योंकि उसे पूरा प्लान करा है ना, वो हर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इंसिडेंट कमांडर ज्यादा नहीं बोलता, अगर कोई मीटिंग हो रही है कुछ हो रही है तो इंसिडेंट कमांडर को अपने एक ऑब्जेक्टिव बताएगा और चुप हो जाएगा। प्लानिंग मीटिंग होती है, प्री प्लानिंग के बाद प्लानिंग मीटिंग होती है, देन यू ऑर्डर एंड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो जो हमने रिक्वायरमेंट निकली है उसमें उस रिसोर्सेज का ऑर्डर प्लेस होता है और बोला जाता है कि कल सुबह तक 6 बजे तक ये सब पहुंच जाना चाहिए सामान, लोग, इक्विपमेंट जो है, करीब 12 घंटे का टाइम है कि ये कितना पहुंच जाए ताकि कल के लिए हमें ये सब बंदे चाहिए जो एडिशनल रिसोर्सेज है। कंडक्ट ऑपरेशनल पीरियड, ऑपरेशनल पीरियड ब्रीफिंग होती है सुबह सुबह, सुबह सुबह नाश्ता लोगों ने कर लिया, जैसे 6:30 निकलने का टाइम है बेस से, तो 6 बजे के आसपास ऑपरेशनल पीरियड ब्रीफिंग होगी जहां पे आप आपके इंडिविजुअल यूनिट के आपके लीडर, लीडर सुपरवाइजर सब अवेलेबल होंगे, जहां पे एक एक कॉपी प्लान की बांटी जाती है कि ये जो काम आपके डिवीजन को, जो आपकी यूनिट को ये काम आज के लिए दिया गया करने के लिए, आपने ये जाना लो, पढ़ो, जाओ और करो और फिर रिपोर्ट करो। नहीं हमारा हो गया, कल ही हो गया। ये चेकलिस्ट है, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन प्लानिंग मीटिंग में एक्टिविटी चेकलिस्ट, नंबर एक, गिव ए रिसोर्स एंड सिचुएशन ब्रीफिंग ऑन करंट स्टेटस। ये कौन देगा, प्लानिंग सेक्शन की, वर्तमान स्थिति क्या है और मेरे पास कितने रिसोर्सेज की पोजीशन क्या है। प्लानिंग सेक्शन की में ब्रीफिंग देगा शुरुआत में। अगला, सेट इंसिडेंट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कौन बताएगा, आईसी, आईसी बस यही आगे बोलता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मीटिंग में सब बंदे आ गए, स्टार्ट हुई, प्लानिंग सेशन जी कहेगा वर्तमान स्थिति यह है कि मंडी में अर्थक्वेक आया था या रामगढ़ में अर्थक्वेक आया था सुबह 10 बजे, उसको मैनेज करने के लिए हमारी आईआरटी एक्टिवेट हो चुकी है,
इतने रिसोर्स में, इतने पुलिस वाले, इतने एम्बुलेंस, इतने फला 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 मेरे पास है, ये सारे हमने काम पे लगा दिए आज के लिए। कल के लिए वर्क असाइनमेंट बनाई जा रही है, ये 015 आप देख सकते हो, इसमें वर्क असाइनमेंट हमने बना दिए कल के लिए, ठीक है। और इतने रिसोर्सेज जो आपको लग रहा है कम है, वो हम ऑर्डर दे चुके हैं, वो रस्ते में है, कल सुबह 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। ये शुरुआत की बात प्रेजेंट सेक्शन चीफ ने बता दी, 2-4 मिनट के अंदर ब्रीफ कर दिया कि कल का मौसम अच्छा रहेगा, वेदर के हिसाब से कल बारिश नहीं होगी, हम सुबह 6-6:30 बजे पूरा काम चालू कर देंगे, शाम के 6 बजे तक काम करेंगे, बाकी डिटेल आपकी उसमें 015 के अंदर दी हुई है, जो डिफरेंट प्लान जो है कंपोनेंट है उसके अंदर आपको दी हुई है। आईसी को बुलाया जाएगा, अब मैं आईसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ऑब्जेक्टिव बताए, आईसी आके बताएगा गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जैसी भी है। देखिए मैं सब जानता हूँ कि आप बड़े अच्छे काबिल लोग हैं, जो इस इंसिडेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव मैंने बनाए हैं वो ये हैं, वही 4 या 5 ऑब्जेक्टिव जो है लिखे हुए भी होते हैं, आईसी फिर पढ़ के बता देगा या बोल के बता देगा कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोगों के सर्च एंड रेस्क्यू है कल अगले 12 घंटे में हो जाना चाहिए, जो इंजर्ड है उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में आपने पहुंचाना है अगले 6 घंटे या 8 घंटे के अंदर, जो भी है। मलबा सारा का सारा हट जाना चाहिए अगले 48 घंटे के अंदर, पावर रिस्टोर हो जानी चाहिए अगले 8 घंटे के अंदर, तो ऑब्जेक्टिव जो है आईसी बता देता है। ये मेरा, मैं आप लोगों को ये उम्मीद कर रहा हूं कल के लिए। उसके बाद डेजिग्नेट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स, ऑपरेशन सेक्शन की, फिर ऑपरेशन आगे बताएगा, ठीक है। ये सब काम करने के लिए हमने मंडी को 4 हिस्सों में बांट दिया, डिवीजन ए बी सी डी, डिवीजन ए के नीचे इतने 5 मैंने टास्क फोर्स बनाई है, टास्क फोर्स 1, 2, 3, 4, 5 उनका क्या क्या काम करना है वो आप उसमें आपको मिल जाएगा 015 में। डिवीजन बी क्या क्या काम करेगी वो आपको मिल जाएगा, डिवीजन सी आप उसमें देखिए, डिवीजन डी ऑपरेशन सेक्शन चीफ ने बता दिया कि क्या क्या बाउंड्रीज है और क्या क्या मैंने किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करा है, टास्क फोर्स बनाई है, डिवीजन बनाए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं, क्या बनाया है वो ब्रीफिंग देगा। देन नंबर 4, डिटरमाइन टैक्टिकल असाइनमेंट बाय डिवीजन ग्रुप। हाँ, डिवीजन ए, अब ये एक तो बता दिया कि मैंने 5 डिवीजन बनाई है, अब डिवीजन ए आप ये काम करोगे, आपके पास 5 टास्क फोर्स है, डिवीजन बी आपके पास 5 स्ट्राइक टीमें हैं, डिवीजन सी आपके पास 5 स्ट्राइक टीमें हैं, डिवीजन डी आपके पास 5 टास्क फोर्सेज है, आपकी 4 टास्क फोर्स है, स्ट्राइक टीम में क्या क्या काम करना है वो आपको इंडिविजुअली वो बताएंगे। देन 5 नंबर 5 पे स्पेसिफाई द रिसोर्सेज नीडेड बाय द डिवीजन या ग्रुप। हाँ, डिवीजन ए आपको ये सब काम अचीव करने के लिए मैं ये रिसोर्सेज आपको रिक्वायरमेंट है, ये मेरे पास मैं आपको दे रहा हूं, बाकी रस्ते में है, कल सुबह तक आ जाएगा। आगे अब पहले हमने डिवीजन बताई कितने डिवीजन है, फिर मैंने बताया हर डिवीजन का काम का क्या है, फिर बताया कि हर डिवीजन को कितने रिसोर्सेज दे रहा हूं। नंबर 6, स्पेसिफाई इंसिडेंट फैसिलिटीज एंड रिपोर्टिंग लोकेशन एंड प्लॉट ऑन मैप। और जैसे कि नक्शा मंडी का देख रहे हो, डिवीजन ए आपने रिपोर्ट करना है स्टेजिंग एरिया 1 पर, डिवीजन बी आपने रिपोर्ट करना है स्टेजिंग एरिया 2 पर, डिवीजन सी स्टेजिंग एरिया 3, डिवीजन 4 स्टेजिंग एरिया 5, वहां पे आपने रिपोर्ट करना है, वहां पे आपको पीने का पानी, चाय, नाश्ता, जो भी फैसिलिटी वहां पे है, बेस कहां पे सेटअप करा है। हमारा बेस ये रहेगा, हम 2 और कैंप सेटअप कर रहे हैं, एक हमीरपुर पे, एक सुल्तान सुंदर नगरी, ऐसे जैसे आप काम करोगे उसको बताते रहोगे कि हम क्या क्या प्रपोज कर रहे हैं, हेली बेस हमारा कहां से काम करेगा, हेलीपैड हमारा कहां रहेगा, हेलीकॉप्टर से अगर फूड पैकेट गिराए जाएंगे तो कितने बजे कहां किस किस एरिया को कवर करेंगे वो बताना जरूरी है। देन कंसिडर इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम नीड्स फॉर कम्युनिकेशन, सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन। सबको वॉकी टॉकी मिल गया, नहीं मिला तो अपने आपको लॉजिस्टिक्स से, कम्युनिकेशन ब्रांच से इशू करवा लो, जिसके बाद वॉकी टॉकी सेट नहीं है। हमारे पास 500 सेट है, तो पहले सेक्शन चीफ को मिलेंगे, फिर ब्रांच डायरेक्टर को मिलेंगे, फिर सुपरवाइजर को मिलेगा, फिर यूनिट लीडर को मिलेगा, उसके बाद कोई स्पेयर है तो नीचे का लेवल को मिलेगा। आप पहले एस्टिमेट करिए आपको कितने वॉकी टॉकी सेट चाहिए और अकॉर्डिंगली वहां से इश्यू करवाइए। ट्रांसपोर्टेशन, यहां से ट्रक या बसें सुबह 6:30 बजे चलेंगी, अभी 6:15 बज रहे हैं कि ये ब्रीफिंग चल रही है ना, ये तो शाम की ब्रीफिंग है, जो सुबह ऑपरेशनल पीरियड ब्रीफिंग होगी वहां पे रिपीट होगा, क्योंकि 6:15 बज रहे हैं, 6:30 बजे स्टार्ट कर जाएंगे ट्रक यहां से, बेस से
आपको स्टेजिंग एरिया पर आपका अपने अपने स्टेजिंग एरिया पे ट्रक नंबर एक और दो जो है वो स्टेजिंग एरिया वन पे जाएगा, ट्रक नंबर तीन और चार स्टेजिंग एरिया नंबर टू पे जाएंगे। प्लीज नोट कर लो सबके सब, गलत ट्रक पर मत चढ़िएगा। अपनी टीम को बोलिए कि उस ट्रक पर नंबरिंग दी हुई है, स्टेजिंग एरिया भी लिखा हुआ है, उसको देख के बैठेगा। ये नहीं एक ट्रक जो है पूरा राउंड मार के सबको छोड़ के आएगा। अब मेरे पास आठ ट्रक है, चार स्टेजिंग एरिया है या चार डिवीजन है, दो दो ट्रक मैंने एक एक डिवीजन को दे दिए, आपके स्टाफ उनको छोड़ के आएगा। वैसे जैसे भी करोगे आपको ये एक्सप्लेन करना है। खाना आपको वहीं पे मिल जाएगा, आपको फूड प्लान मिलेगा, फूड प्लान में आपका जो टाइम है उस टाइम से पहले कृपया करके कोई फोन कॉल नहीं करेगा, कुछ पता नहीं करेगा। फूड यूनिट लीडर लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ भी वहीं होता है। हाँ जी फूड पहुंच जाएगा ना 12 से 3 के बीच में नाश्ता, हाँ जी पहुंच जाएगा। नाश्ता तो सब करके जाएंगे सुबह 6 बजे, लंच का टाइम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक या 12 से 2 जो भी आप फिक्स करोगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चाय का इंतजाम 11 बजे से आपको मिल जाएगा आपको स्टेजिंग एरिया से, पीने का पानी वहीं उपलब्ध रहेगा। देन नंबर 8 पे प्लेस रिसोर्स ऑर्डर फॉर एडिशनल नीड्स, ये लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ करेगा। क्या क्या रिसोर्स हमें चाहिए जो नीचे वाला कॉलम आ रहा है ना वो रिक्वायरमेंट है, आपने नोट कर लिया, आप इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये सब सामान हमें कल सुबह तक चाहिए। फाइनलाइज द इंसिडेंट एक्शन प्लान ऑल फॉर्म्स, सब को पता चल गया, कम्युनिकेशन यूनिट आपने प्लान तैयार कर दिया, लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ अपने यूनिट से पूछेगा। कम्युनिकेशन यूनिट प्लान तैयार करना है, मेडिकल यूनिट प्लान तैयार करना है, फूड यूनिट प्लान तैयार करना है, और ट्रैफिक यूनिट जो ग्राउंड सपोर्ट है ट्रैफिक मूवमेंट प्लान तैयार करना है, आरटीओ, बहुत सारे 4-5 प्लान तो लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ के हिस्से में आएंगे तैयार करने के लिए। नक्शे कौन तैयार करेगा? प्लानिंग सेक्शन में सिचुएशन यूनिट जो नक्शा देना है, मंडी का जो भी एरिया का नक्शे चाहिए, फिजिकल मैप, सैटेलाइट मैप, जो भी मैप्स अवेलेबल है वो प्रिंट आउट निकाल के उतने कॉपियां बनाएंगे। उसके बाद रिसोर्सेज की समरी कौन देगा? जो रिसोर्सेज पेपर है जो मैं लगा रहा हूँ, रिसोर्स यूनिट लीडर, या तो 015 की कॉपी होगी ना जिसमें दोनों ने मिलकर काम करा है, और डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर, वेदर रिपोर्ट, कोई टेक्निकल स्पेशलिस्ट है तो उसको वो भी आके 2 मिनट बोलेगा कि कल का वेदर के बारे में क्या अनुमान है। 1 बजे तक तो सनशाइन रहेगी, 1 बजे के बाद थंडरस्टॉर्म हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी है अर्थक्वेक आया है कल और आफ्टरशॉक्स आने की उम्मीद है या नहीं है, तो वेदर वाले की बात भी सुननी बहुत जरूरी है, वो गाइड करेगा कि कब कैसा वेदर, कैसी चीज स्थिति रहेगी, ताकि आप काम कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। देन अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान बाय द आईसी, तो जब एक बार प्लान पेश हो गया, सब एग्रीमेंट हो, सब इसको कर लोगे, सब बोलेंगे यस, नो नहीं बोलेंगे, नो की गुंजाइश छोड़ी नहीं है। जब इतनी डिटेल्ड आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें नो की गुंजाइश बची नहीं है, आपने पूरा प्लान करके आप दे रहे हो ना, आपने पूरा ये सब चीज लोगों ने, आपके अफसरों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया, इंसिडेंट कमांडर ने, ऑपरेशन सेक्शन चीफ ने, लॉजिस्टिक्स ने, प्लानिंग ने, 3-4 बंदों ने, सेफ्टी ऑफिसर ने, इन 4 लोगों ने मिलकर पूरा प्लान करा है, तो इसमें नो की गुंजाइश बची नहीं है। हाँ फूड यूनिट कर सकता है सर प्रॉब्लम, वो गोलू आलू गोभी तो आई नहीं मेरे पास अभी तक, वो ट्रक ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आलू गोभी नहीं है तो कुछ और बनाओ, दाल बनाओ, लेकिन खाना टाइम से पहुंच जाना चाहिए, ये बातें मेरे को मत सुनाओ, देखा सर दूध नहीं आया, ये छोटी मोटी बातें आएंगी, पानी का ट्रक नहीं आया, पानी की बोतल खत्म होगी सर गोदाम में है ही नहीं, वो कह रहा है कल 12 बजे तक आएगा, क्या करें। तो ये वहां पे नहीं, वो अपने आप जो फूड यूनिट लीडर है वो रिसोर्स यूनिट को अलग से बताएगा कि सर वो तो ठीक है आपने अनाउंस तो कर दिया, 12 घंटे है कोई बात नहीं, 12 घंटे में कुछ ना कुछ करो, गोभी नहीं है तो आलू की सब्जी बना दो, कुछ भी करो, कैसे भी बनाओ करो, क्योंकि लोग खाना खाली पेट भी काम कर सकते हैं, खाना तुमको देना ही देना, खाना ठीक तरीके का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो सुनामी जब आई थी तमिलनाडु आंध्र के साइड पे, दिल्ली वालों ने क्या भेजा उनको, रिलीफ मटेरियल में क्या भेजा, सूट और गेहूं, वहां के लोग क्या खाते हैं, चावल, हम लोगों ने भेज दिया आटा गेहूं कि बोरे बोरे के बोरे भेज दिए, क्या करेंगे उसका, वो हमने पंजाबियों को वो सूट भेज दिए, वो साड़ियां पहनते हैं वहां पे, कोई फायदा ही नहीं, हमने बहुत एफर्ट करा,
मैं तब चीफ मिनिस्टर ऑफिस में था जब वो पूरा ऑर्गेनाइज करा था, रिलीफ एफर्ट शुरू के 10 दिन मैंने ही करा। फिर 10वें दिन मैंने सोचा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा काम थोड़ा है। मैंने बॉस से पूछा, मैं कहता ये कौन करता है नॉर्मली, कहता यार वो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस करता है। मैं कहा रिलीफ कमिश्नर, मैं कहा मैं क्यों कर रहा हूँ, 10 दिन से सीएम ऑफिस लगा हुआ है साहब, मैं गोदाम रखा है लड्डू कासल के स्कूल में, पूरा ऑडिटोरियम भर दिया मैंने मटेरियल से। मैं कहा मैंने 4 बंदे बिठा रखे 24 घंटे और मेरा स्टाफ खुद वो उनकी उंगलियां वो हो रही है। कहते क्यों, मैं कल को ये फैक्ट्री वाला जो है 250 नई शर्टें दे गया, अब मेरा साहब पूछ रहा है एक एक शर्ट हम ले जाए। मैं शाम को गया ना, मैं देखा डब्बों में पैक नई नई शर्टें, मैं कहा ये कौन दे गया, क्योंकि मैंने पूरा रिश्ता बना रखा था स्टाफ का कि मैं रोज सुबह शाम जाता था, रात को भी कभी कभी जाता था देखने के लिए कि सामान क्या क्या आ गया। हमें रेलवे वालों ने कहा था कि जब पूरा वैगन लोड हो जाएगा ना तब आप हमें बताना, हम पूरा वैगन लोड। मेरे को पता नहीं कि वैगन में कितना सामान आता है, मेरे को लगा पूरा आधा ऑडिटोरियम भर गया तो वैगन के सामान होएगा। रेलवे वालों को बुलाया, वो आके देखा, कहता है कि अभी तो आधा वैगन हुआ है। देखा आधा वैगन हुआ, कहते हाँ हमने कितने 28 ट्रक लेके गए थे, 28 ट्रक हमारे वहां लोकल MLA है उन्होंने 28 ट्रक मुझे दिए। संत निरंकारियों का समागम चल रहा था, वहां से लोग आए ऐसे लेबर काम किया, पूरा सामान ट्रकों में लोड करा, क्योंकि MLA साहब ने क्या करा 28 ट्रक भेज दिए बिना लेबर के। मैं कह रही भरेगा कौन इनको, फिर कॉल करा, फिर किसी ने कहा कि वहां समागम चल रहा है, वहां से भी बोला, वहां से 50-70 लोग आ गए, फिर उन्होंने पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहता हम तो सेवा करने आएंगे, ये भी सेवा ही है, मानव सेवा है। सारा आटे की बोरियां, मुरमुरे, चावल, जो भी दालें वाले जो भी सामान था सारा भरा ट्रकों में। 28 ट्रक गए सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन में दिल्ली में, जहां पे वैगन लोड होने थे, सिर्फ 2 वैगन लोड हुए पूरे 28 ट्रकों का सामान, सिर्फ 2 वैगन में सामान गया। और वो वैगन ये बात है उसकी जब फ्लडिंग हुई थी सुनामी की, नहीं आंध्रा ओडिशा का, ओडिशा वाला जो आया दिस वॉज ए 99 तभी था ना सीमा में 99 2000। वो ट्रक हमने जो वैगन जो ट्रेन गई उसकी पर्ची बन जाकर रेजिडेंट कमिश्नर के वहां पहुंचवाई, जो ओडिशा का रेजिडेंट कमिश्नर है दिल्ली में, कि ये वैगन रिलीज कर दे। तो 2 दिन का खबर है कि वो जो एंट्री ट्रेन ने करी ना वहीं पे लूटपाट मच गई, सारा लुट गया, लोगों तक तो पहुंचाई भुवनेश्वर तक भी नहीं पहुंची ट्रेन, वो एंट्री करके जहां पे कहीं रुकी थी वहीं पे लोगों को पता चल गया इसमें रिलीफ कंटेनर है, वो तोड़ फाड़ के ताले वाले तोड़ के सारा सामान लिया। यहां 15 दिन की मेहनत, 10 दिन की मेहनत, वहां पे कुछ पहुंचा नहीं वो सामान जहां जिनके लिए पहुंचना था, पता ही नहीं हमें कहां गया, ब्लैक मार्केट में गया कहां गया। 4 ट्रक भेजे थे उसमें जो हमने 4 अपने बंदे भेजे थे ओडिशा के रहने वाले हैं, जो हमारे असिस्टेंट लेवल के थे ट्रक ड्राइवर के साथ भेजे थे, फ्लैग करा सीएम ने, पूरा अखबारों के अंदर फोटो आई कि 4 ट्रक दिल्ली सरकार भेज रही है, वो बॉर्डर पर लुट गए, वो सारे बंदे पिट के वापस आए। उन्होंने कोशिश करी रोकने की लोगों को, लोगों ने उनको वहीं धुनाई कर दी, डंडे वंडे मार मुड़ के हड्डियां फटियां तोड़ दी। चलो लेट अस हैव लंच और थोड़ा सा ये रह गया उसके बाद वो फाइनल एक्टिविटी। ट्रैफिक प्लान लॉजिस्टिक वाला ही बनाएगा, जो ग्राउंड सपोर्ट यूनिट है या जो ट्रैफिक अलग से है। सेफ्टी प्लान कौन बनाएगा, सेफ्टी ऑफिसर। मैप्स प्लानिंग में जो सिचुएशन यूनिट लीडर है, तो ये सारे रोल आपको अदा करने हैं। कौन कौन क्या क्या रोल अदा करेगा, मेरे को ये सब चीजें चाहिए। जब एक मीटिंग भी आप लोग करोगे वो मीटिंग भी आपने मुझे करके दिखानी है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है पूरा प्रोसेस, याद है ना लंच से पहले मैंने एक्सप्लेन करा है कि प्लानिंग सेक्शन चीफ मीटिंग कराता है और कौन, वो जो पूरी लिस्ट थी कौन कौन क्या क्या ब्रीफिंग देता है वो मेरे को आप लोग करके दिखाओगे पूरी प्लान व्लान तैयार करके। मेरे को प्री प्लानिंग मीटिंग देखनी है जहां पे 5 बंदे टैक्टिक वगैरह वो डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजी की कौन सा करना है फाइनल डिसाइड करके, फिर प्लानिंग मीटिंग होगी उसके बाद जहां पे बाकी सब लोग मिलके उस मीटिंग का पूरा बताओगे। तो जब मीटिंग होती है सब तैयारी पूरी करके आते हैं, मोबाइल फोन ऑफ रखते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मस्ट बी एविडेंट। प्लानिंग सेक्शन चीफ मीटिंग को चलाता है, किसी को 2-4 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं देता, नहीं तो मीटिंग 15 मिनट में खत्म नहीं हो पाएगी। अगर हर बंदा बोलता गया तो मीटिंग लंबी चल जाती है। एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी एबल टू कमिट फॉर द एजेंसी। तो जो लियाजन अफसर है प्लस जो एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आए हुए हैं, जैसे कोई फायर से आया हुआ है, पुलिस से आया हुआ है, अगर उस समय रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को 4 और फायर इंजन चाहिए, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये नहीं बोलेगा कि सर मैं पूछ के बताऊंगा,
जो उसमें आया हुआ उस समय डिजास्टर के रिस्पांस में उसको वो कमिटमेंट उसको वहीं देनी है। हाँ सर चिंता मत करो चार इंजन और आ जाएंगे। सिमिलरली पुलिस वाले जो आए हुए, अगर आईसी बोलता है कि हमारे कल के ऑपरेशन के लिए मेरे को 10 पुलिस स्क्वाड और चाहिए, तो जो पुलिस वाला रिप्रेजेंटेटिव है वो मस्ट बी एबल टू कमिटमेंट देनी है कि हाँ सर हो जाएंगे या नहीं होंगे। ये नहीं कि सर मैं अपने बॉस से पूछ के बताऊंगा, एसएसपी साहब से पूछ के बताऊंगा, फिर तो पूरा अटक जाएगा। हर बंदा का पोस्टर लग गया तो मीटिंग में तो फिर डिसीजन कब होगा। इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो इतने सीनियर बंदे आने चाहिए या सेकंड इन कमांड आने चाहिए ताकि वही पे कमिटमेंट दे सके। सर चिंता मत करो पहुंच जाएंगे बंदे, बुलडोजर चाहिए पहुंच जाएंगे। एडहेयर टू द प्लानिंग प्रोसेस, जो प्लानिंग प्रोसेस बताई है उसमें आपको स्टिक करना है। रेडियो सेल फोन मस्ट बी टर्न्ड ऑफ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उस समय। 15 मिनट की मीटिंग है, 15 मिनट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फिर मीटिंग के बाद सेट ए कंप्लीशन टाइम फॉर अटैचमेंट्स, जो डिफरेंट सब कंपोनेंट्स ऑफ प्लान के वो कब तक बन के आ जाएंगे, नक्शा कब तक बन के आ जाएंगे, जो मेडिकल प्लान है, कम्युनिकेशन प्लान है, फूड प्लान है, सेफ्टी प्लान है, ये सब कब तक बन के आ जाएंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन यूनिट को इसकी एक तो ये आईसी ने अप्रूवल देना है, वो एक किस्म का रिटर्न एक उस पर इनिशियल होते हैं इंसिडेंट कमांडर के, तब उसकी फोटोकॉपियां होती चालू होती है। तो कब वो अप्रूव करेगा, कब वो डॉक्यूमेंटेशन यूनिट पर जाएगा, तब उसकी वो कॉपियां बनानी चालू करेगी। उनको 300-400 कॉपियां बनानी है, तो रात भर ये काम चलता रहता है प्लानिंग सेक्शन में, डॉक्यूमेंटेशन यूनिट में फोटोकॉपियां होकर सेट बन रहे हैं। Obtain the plan attachments, obtain approval of the completed plan by the IC, determine the number of incident action plans required, कितने कॉपियां करनी है, arrange the documentation unit to reproduce the plan, review plan prior to briefing and distribution, जो सुबह operational period briefing होनी है सुबह 6 बजे, रात को जब ये meeting हुई थी 7 या 8 बजे और सुबह 6 बजे तक स्थिति बदल सकती है। आपको पता था कि बारिश होनी है, पता चला कि नहीं मौसम बिल्कुल बढ़िया रहेगा, या आपको कहा गया था कि मौसम एकदम बढ़िया होगा, पता चला कि नहीं आज उस दिन पर बारिश होगी, हो सकता है आपको प्लान कुछ चेंज करना पड़े। रिव्यू प्लान प्रायर टू ब्रीफिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सेलेक्ट द ब्रीफिंग लोकेशन, ब्रीफिंग कहां पे होगी, ज्यादातर जहां पे मैक्सिमम लोग सुबह सुबह अवेलेबल है कहां पे होंगे, कैंप। तो ब्रीफिंग ज्यादातर कहां पे होती है, कैंप में, जहां पे लोगों ने खाना वाना खाया और नाश्ता करा 6 बजे और 6:15 बजे वहां पहुंच जाओ ब्रीफिंग के लिए, 6:30 निकलना है। एंड देन टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड भी करनी है, किस किसने करनी है, ऑपरेशन सेक्शन चीफ और ये लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ, प्लानिंग सेक्शन चीफ। स्मॉलर इंसिडेंट में वर्बल ब्रीफिंग होती है आईसी की, फॉर्म 001 में भी हेल्पफुल, लार्जर इंसिडेंट्स में इट रिक्वायर्स अ रिटन इंसिडेंट एक्शन प्लान, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जनरल स्टाफ विल इंप्लीमेंट द प्लान। इवैल्यूएशन, क्या जो प्लान है वो करंट सिचुएशन के हिसाब से है, नहीं है तो मॉडिफाई करो उसको, चेंज करो। मॉनिटर प्रोग्रेस अगेंस्ट प्लान टैक्टिकल ऑपरेशंस, जो आपने प्लान किया आज के दिन जो कार्यवाही होगी या कल होगी, तो 12 बजे 1 बजे क्या रिपोर्ट आ रही है, वो काम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे जो आपने लोगों को दिए हैं, कितना इफेक्टिवली हो पा रहा है। मेक एडजस्टमेंट्स एज रिक्वायर्ड, अगर एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो उसको एडजस्ट करो, ये मत सोचो कि मैं कल करूंगा एडजस्टमेंट, आज जो हो रहा है होने दो, मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं कल करूंगा, ऐसे मत सोचो। प्लान चेंज करने की जरूरत कब कब होती है, आपके आरओ साहब ने कोई नई इंस्ट्रक्शन पास कर दी उसके मुताबिक आपको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, या रिसोर्सेज पहले आपके पास कम थे और ज्यादा आ गए तो आप और ज्यादा को इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके कुछ ब्रेक डाउन हो गया मशीनरी में, बुलडोजर या डंपर वंपर में ब्रेक डाउन हो गया, कम पड़ गए रिसोर्सेज, तब आपको प्लान चेंज करना पड़ सकता है। फेलियर और अनएक्सपेक्टेड सक्सेस ऑफ टैक्टिकल एफर्ट्स, आपने सोचा था इस तरीके से करोगे वो तरीका आपका बहुत ज्यादा कामयाब हो गया या फेल हो गया, जिसके कारण आपको प्लान को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस, स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिल रही है, पहले आप क्या कुछ सोच के कर रहे थे, आपको ज्यादा जानकारी मिली तो आपको होता है प्लान चेंज करना पड़े, ऑल्टर करना पड़े, तो करिए। पॉलिटिकल कंसिडरेशन, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। जब चेंज करते कि प्लान की नौबत आती है, वी कंसर्न्ड अबाउट सेफ्टी कंसिडरेशन, ऐसा तो नहीं कि पहले हम सेफ तरीके से चल रहे थे अब चेंज करके हम थोड़ा रिस्की एलिमेंट तो नहीं डाल रहे बीच में,
मेक चेंजेस इफ नेसेसरी एंड देन चेंज सूनर देन लेटर। चेंज करना है तो करो, और करना है तो फिर अभी करो, इसको रुको मत चेंज करने के लिए। देयर इज नो राइट टाइम टू चेंज। अब डीमोबिलाइजेशन प्लान हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, याद है ना? डीमोबिलाइजेशन जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कौन कौन कब कब छोड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलीज प्रायोरिटीज क्या है, कौन पहले जाएगा, कौन पहले जाएगा, जिसकी ट्रेन पहले जा रही है या जो पहले आया हुआ है, प्रोसीजर क्या है रिलीज का, सामान जमा कराइए, अपना एनओसी लीजिए, अपना सामान जो आप लेके आए उसको बटोरिए, अपना पास वास टिकट विकट जो है वो ले लीजिए, पता करिए कि जो आपको ट्रक या बस छोड़ेगी रेलवे स्टेशन जहां जाना है वो कब जाएगी, वो सब चीजें। एक डायरेक्टरी बनने का बहुत जरूरी है, कौन आया है, उसका फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है। ट्रेनिंग सेशन क्या करेगा, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन है किस किस को छोड़ना है, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी है उसके पास, क्योंकि जो चेक इन होती है लिस्ट जब बंदा रिपोर्ट फॉर ड्यूटी करता है वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन बंदे की आ जाती है उनके पास। लिहाजन अफसर उसको पता है कि कौन कौन सी एजेंसी से क्या क्या रिसोर्सेज आए हुए हैं, क्या क्या वापस जा रहे हैं। सेफ्टी ऑफिसर वो देखता है कि कौन आदमी किसी को चोट तो नहीं लग गई है, कोई थका हुआ ज्यादा तो नहीं है, उसको पहले छोड़ रहा है, तो वो सेफ्टी ऑफिसर भी देखेगा कि किसको हम पहले छोड़ सकते हैं। लॉजिस्टिक्स इनको ट्रांसपोर्टेशन देखना है, कम्युनिकेशंस अगर कोई वॉकी टॉकी इशू है तो वापस जमा करवाना है, मेंटेनेंस कंटिन्यूइंग सपोर्ट वो सब चीजें देखनी है उनको कि जब तक खत्म नहीं होता तो उनको अपना सपोर्ट तो देते रहना है, लेकिन जो बंदे जा रहे हैं उनका बेड बेड बेडिंग जो भी सामान इशू करा है वापस जमा करवाना है। फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी का खर्चा हुआ है, क्लेम है, किसी को कुछ देना है, टिकट विकेट का पैसा जो भी है वो फाइनेंस देखेगा। ऑपरेशंस उनको पता है कि मुझे कौन सी रिसोर्सेज आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, किनको मैं छोड़ सकता हूं, ये वो बताएंगे। एजेंसी डिस्पैच सेंटर जहां से सामान आया वहां वापस जाएगा, उनको बता दो कि हम इसी बंदे को छोड़ रहे हैं आज। अब आपने एक्सरसाइज करनी है, ये फॉर्म्स हैं, इसमें वो मेडिकल प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, वो सब प्लान होंगे, आप देख लो। तीन सेट मैंने कराए हैं, आप लोग देख सकते हो। अब एक ही टीम काम करेगी, अब वो सीनेरियो पढ़ लो फाइनल एक्सरसाइज का, वही रामगढ़ अर्थ को ही किया मेरे ख्याल से, मैं आपको नया सीनेरियो नहीं दे रहा, जैसे मैं नया तैयार करके लाया था दिल्ली का, मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, टाइम कम है, आपको चार सवा चार तक खत्म करना है सारा। इसके अंदर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, उसका हिस्सा नहीं है लेकिन ड्राइवर आ रहे हैं उनसे पूछो, सिचुएशन रिपोर्ट लो, जो सिचुएशन यूनिट है वो अपने बंदे भेज के चेक करता रहता है, सेफ्टी ऑफिसर से रिपोर्ट आती रहती है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उस पर कंपेयर करा जाता है कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव रखे थे और प्रोग्रेस क्या है, अगेन मीटिंग होती है, फिर ये सर्कल करता रहता है पूरा, ऑपरेशन ऑनगोइंग, ऑपरेशन सारे टाइम चल रहे हैं और ये प्रोसेस भी प्लानिंग डिपार्टमेंट जो अपने चलाता रहता है सारे टाइम, इसको प्लानिंग पी कहते हैं कि शुरू में जो डंडा है वो गायब हो जाता है, बाद में वो सिर्फ शुरुआत के लिए होता है, जब इंसिडेंट चालू होता है, फ्लड आई, अर्थक्वेक आया, आपको पता चला, नोटिफिकेशन हुआ कि ये डिजास्टर डिक्लेयर हो गया तो डीएम एक्ट ओवरराइडिंग, अदरवाइज तो नॉर्मल तरीके से काम करोगे ना, आपकी आईआरटी तभी एक्टिवेट होगी जब डिक्लेयर डिजास्टर, तब फिर डीएम एक्ट लागू हो जाता है और उसके मुताबिक फिर आप सारी चीजें कर सकते हैं एज पर द एक्ट जो आपको पावर दी गई है। रिस्पॉन्स चालू हो जाता है, लोग आते हैं, उनको लगा दिया काम पे, ब्रीफिंग होती है और फिर मीटिंग स्टार्ट, और ये पूरा एक्शन प्लान कैसे डेवलप करना है ये सब प्रक्रिया चालू हो जाती है और ये रिपीट होता रहता है हर पीरियड से पहले। तो इसके मुताबिक आप ये बताओ मुझे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले लोग कब आराम करते हैं, ऑपरेशन वाले कब आराम करते हैं, ऑपरेशन खत्म हो गया वापिस आए खाना पीना सो गए क्योंकि उनको सुबह दोबारा तैयारी करनी है, उनमें से कुछ लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लेना होता है 8-9 बजे, फिर भी चलो 10 बजे सो गए, प्लानिंग वाले कब सोते हैं,
शिफ्टों में सोते हैं। नंबर एक, जब ऑपरेशन शुरू होता है, जब ऑपरेशन चालू होता है उसके बाद वो थोड़ी देर आराम कर सकते हो बिफोर द स्टार्ट द साइकिल अगेन। लेकिन ज्यादातर ये होता है जो ये कह रहे हैं शिफ्टों में सोते हैं, जब टाइम मिलता है एक घंटा दो घंटे सोने, क्योंकि प्लानिंग का काम कभी खत्म नहीं होता। लॉजिस्टिक को भी बीच में काम खत्म हो जाएगा, रात में कम काम होगा ना के बराबर, ऑपरेशन का ना के बराबर, लेकिन प्लानिंग का काम चलता रहता है। रात भर में डॉक्यूमेंटेशन यूनिट प्लानिंग सेशन थी तो 24 घंटे इन्वॉल्व रहता है, उसको मीटिंगें करवानी है, उसको देखना कि मेरा यूनिट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये वीडियो देखिए कि स्ट्रेटेजी मीटिंग कैसे होती है। प्लानिंग सेक्शन की मीटिंग कर रहा है, आवाज थोड़ी दिक्कत है, आवाज का ये स्ट्रेटेजी मीटिंग है, ये डिस्कस हो रहा है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे नक्शा वगैरह सब उनके पास अवेलेबल है, बिना नक्शों के वो कोई काम नहीं करते अमेरिकन। बता रहा है कौन कौन से एरिया में कैसे कैसे है। Hazard mitigation group. We anticipate as we move from response to recovery,
that those groups may indeed become branches. Due to the significant number of ingress and egress to the area, I will need three staging areas. Port 1 Nimi will support staging area. The northern half of branch number 1. Los Alamitos staging area will support the southern half of branch number 1. Archer Air Force Base will support all of branch number 2. In addition, I will need helibases at Burbank Airport, Los Alamitos, LAX, and March Air Force. Charge of a heli base. Thank you. Does anyone have any problems with supporting operations requirements? Okay, no comments. I'll let you quickly develop your organizations to support this strategy, and I'll see you at the planning meeting. Any questions? We'll adjourn until the planning meeting at 4 o'clock. ये स्ट्रेटेजी मीटिंग होगी कि ब्रॉडली स्पीकिंग हम कैसे इसको दूसरा वीडियो जो प्री प्लानिंग मीटिंग लकीली मैं सारा ही कॉपी करके ले आया था तो ये मेरे पास वीडियोस थे अवेलेबल सेकंड नहीं प्री प्लानिंग सबसे नीचे वाला अगली मीटिंग में पहुंच रहे हैं ठीक है वो स्ट्रेटेजी मीटिंग थी जो शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे हम इसको अरेंज करेंगे Based on input from my branch directors and group supervisors throughout the day, I sketched out preliminary 215s detailing our resource requirements and work assignments. I made a copy of the draft 215s for each of you, so take a minute. जिसको हम 15 नंबर कहते हैं ये 215 कहते हैं नंबर हमने तकरीबन सेम ही रखा है। And review these to see if you have any concerns or not. इसे पहले ही बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जिस तरह से वर्क असाइनमेंट Okay, anyone having anything more? We have a report of a large hazardous material spill at the port of Long Beach. I would like an assessment done on what the issues are and what needs to be done on this hazardous spill. Also, we need to assess for potential radiological release at San Onofre nuclear power plant. Okay, I'll put that down. From one on-scene coordinator from EPA and the radiological assistance program task force. You want them to stage a port one? Yes, that's a good idea. Anything else for branch one? Yes, I see that most of the resource requirements will need to be ordered because we have none available on hand. At a glance, I see the need for 6 US and R teams in the US and R group, 50 IRR packs for mass care. And in the infrastructure group, we need to order 2 prime power strike teams, 2 access PRTs, 5 50 packs of generators, and 30 structural engineers. It looks like most of the resource requirements for branch 2 will need to be ordered as well. You're right. Resources are being deployed as fast as they can be checked in. Thanks. Anything else for branch 1? Okay. How about branch 2? Bob, it looks like you're going to have a lot of resources at March Air Force Base with the field hospital and the other resources that are staged there. Are you going to have any need for a mobile kitchen unit, MKU, for feeding purposes for March? Well, that'd be excellent. Let's do that. Okay. I'll write it down. Anything else for branch 2? हर बंदा अपनी तैयारी करके आ रहा है अपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा है उससे उसके रोल से पटेन करते हैं यस इन द रिकवरी ब्रांच मेनी पीए एंड आईए स्टाफ हैव येट टू अराइव ड्यू टू एक्सेसिबिलिटी एंड दिस इज टेकिंग 12 आवर डिले फैश Let me know if the delay changes one way or another throughout the day. Okay. Bob, we're going to have a lot of public assistance and individual assistance people arriving. We need to make sure that they're prepared for aftershocks and that they have the personal protective equipment. Safety officer come message. A great point. Be sure to include that in your safety message in the incident action plan. Also reinforce it by adding it to the special instructions on the 204s. Any questions? I don't have any. ठीक है प्री प्लानिंग मीटिंग में बता दिया कि जो ब्रांच के जो डायरेक्टर हैं दोनों ब्रांच के डायरेक्टर अवेलेबल थे लॉजिस्टिक्स से जीतकर कि आपकी ब्रांच के जो रिसोर्सेज हैं आपने देख लिए कितने हैं कितने जरूरत है क्या ऑर्डर देना है क्या ऑर्डर नहीं देना सिमिलरली सेफ्टी ऑफिसर ने अपने भी व्यू दे दिया अगला वो कर देना प्लानिंग वाला एक सेकंड रुक मॉक प्लानिंग हाँ मॉक प्लानिंग मीटिंग तो ये प्री प्लानिंग में ये डिस्कस हो गया कि रिसोर्सेज ऑर्डर देने पड़ेंगे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा जिसकी जो इश्यूज थे
कंसर्न था कि कोई लेट आ रहा है, कुछ हो रहा है, वो हमने बोल दिया। अब ये प्लानिंग मीटिंग, also a reminder that this meeting is to quickly review the incident objectives and the 215s for tomorrow's operational period. First off, I would like to ask that our NOAA weather specialist give us an update on the forecast for tomorrow. Thanks. Tomorrow, weather specialist. Turning to 1,000 fall in the morning. Otherwise, mostly sunny. High near 70 at the beaches to 80s inland. Southwest winds around 15 miles an hour in the afternoon. Tomorrow night, it will be mostly clear in the evening. Then areas of 1,000 fall overnight. Lows in the upper 50s. West winds around 15 miles an hour. Thank you. Now I'll ask that the FCO go over the incident objectives. The incident objectives remain the same as they were this morning. Does anyone feel that any of these objectives are not valid or need to be changed or adjusted? Okay, there are no changes, that remains the other. Thank you. The Ops Chief will now review the current situation and go over the 215s for tomorrow's operational period. Thank you. The situation remains as I described in the strategy meeting. The situation is still very critical. As discussed this morning, we have three staging areas. Fort Juanini, which supports the northern half of branch number one. Los Alamitos, which supports the southern half of branch number one. And March Air Force Reserve Base, that supports branch number two. In addition, there are our hub bases at the Burbank Airport, Fort Wainimi, at LAX, and at March Air Force Base. Big teams that we've prepared and to describe the resource requirements and the work assignments. The medical group, we need six disaster medical assistance teams. We need one joint MST, one insert. They're all to report to the March Air Force Base for six staging. Urban search and rescue, we need six task forces. Urban search and rescue task forces, we already have available three. We need three more deployed. We've ordered those. We need one additional joint support team. We have zero available. We need one more. And we put a request into that and we'll report to the Dodger Stadium. Last share group needs 10 meal kitchen units. We have none. We've ordered 10. We need 20 IRR packages. We have none available at station. We've ordered 20. They're also reported to March Air Force Base. Infrastructure group needs open critical routes to provide water for shelters and support USAR and energize critical facilities. Prime power, we've ordered six prime power PRT teams. We have none available. We put order in for six. We've requested one water PRT. We have zero available. We've ordered one. We've requested two emergency access debris clearing PRTs. We have none available. We ordered two. Those are reported to March. Bob and the Air Operations Branch, Fixed Wing Group, you're showing should be moving resources to state staging areas. I wanted to be sure that you won't have any need for any ground support to support that operation. I'll address that. Mike, all we've been getting will come and check. There is a requirement for ground transportation. Okay. And another you do for me also, that we need a map or Latin law for all the state staging areas, so we don't have to. Certainly, we'll get you a map of the state staging areas. Okay. Let's see, there's an. Also, are you going to have any need for logistical support to for ground medical transport to moving victims to the fixed wing evacuation sites? You know, I haven't had any requirements at this point, but if we encounter something, I will get with you right away to get those resources. You pooch raha hai, ambulance chahiye kya? Transport karne ke liye, aapko gaadiyan chahiye? Ya bhai air karoge? Logistics section chief jo hai, wo apni clarification le raha hai sabse. कि मुझसे क्या क्या आपको चाहिए और बता दो पहले Yeah, I didn't think of that. You're right. What we'll do is go ahead and notify the PA and IA group supervisors and also put something in the work assignments on the 204s. Okay, thank you. Are there any additional questions? FCO, any closing remarks? Can you help us put the operational plan shown on these 215s? Yes. Okay, thank you, sir.
मीटिंग शॉर्ट टू द पॉइंट, सबको अपना रोल पता है, आप अपने तैयारी करके जाएंगे ना, अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेके जाएंगे। प्लानिंग सेक्शन ने कहा कि ये हो रहा है, ऑपरेशन ने बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इतने रिसोर्सेज मैं दे रहा हूँ, इतने वहां दे रहा हूँ, इतने वो, इसी शीट पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना कि ये काम करने के लिए मेरे पास इतना है, इतना नहीं है, इतना मेरे को ऑर्डर देना पड़ेगा, वो करना है। लॉजिस्टिक ने क्या बोला कि आप ये सारा भाई एयर कर रहे हो, आपको ग्राउंड सपोर्ट यूनिट की व्हीकल्स चाहिए कि नहीं चाहिए मेरे को बता दो। उसने कहा अभी तो आप किसी ने बोला कि चाहिए कि तो हम आपको बता देंगे, टाइम से बताना पड़ेगा। सिमिलरली उसने मेडिकल से पूछा कि आपको क्या पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो अपनी चीज से वो है कि मुझे बताओ कि मुझसे क्या आपको उम्मीद है, दूसरे के अंदर दखलंदाजी नहीं कर रहे। अब वो सिर्फ अपने रोल की तरफ देख रहा है कि मुझसे, मैं अगर लॉजिस्टिक सेक्शन की हूं, मुझे क्या क्या देना है, क्या क्या प्रोवाइड करना है, मेरे जिम्मे क्या क्या काम दिया गया, वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो अपने उस पर देख रहा है। वो कह रहा है मेरे पास नक्शे नहीं है, उसने बोला ना लॉजिस्टिक वाले ने बोला कि शुरू शुरू में कि मेरे पास नक्शे नहीं है एरिया के, तो प्लानिंग ने बोला कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि नक्शे प्रोवाइड किसने कर रहे हैं, प्लानिंग वालों ने। अगर उसको रूट मैप बनाना है कि मैं कहां से कहां फूड पहुंचाऊंगा या ट्रैफिक प्लान है क्या, तो उसने नक्शे चाहिए, तो उसने बोला कि मेरे को नक्शे नहीं है, तो उसने कहा हम आपको नक्शे प्रोवाइड करते हैं, आप उस पर एक्शन लो। अब वो चौथा वीडियो बोल दो, अब हम सुबह की तरफ जा रहे हैं ऑपरेशन सेक्शन की ब्रीफिंग। ये तो रात को प्लानिंग मीटिंग होगी, सब कुछ हो गया, अब चौथा वीडियो ऑपरेशन सेक्शन की ब्रीफिंग कैसे होती है सुबह जब सब तैयार है। ये मॉक ऑपरेशन ब्रीफिंग, पूछ रहे सबको कॉपी मिल गई, कॉन्फ्रेंस कॉल से सबको बता रहे हैं, फिजिकली वहां पे नहीं है, ये रूम से ही कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू ग्रुप के सुपरवाइजर जो वो है वो सारे के सारे सुन रहे हैं। बता रहा है कि अर्थक्वेक आया था, बहुत सारे ब्रिज टूट गए हैं, वही सिचुएशन रिपोर्ट दे रहा है लेटेस्ट, ब्रोकन गैस लाइंस। वही तीनों स्टेजिंग एरिया भी बता रहा है, स्टेजिंग एरिया कहाँ कहाँ है और किस किस एरिया को सपोर्ट करेंगे।
first Branch 1. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Branch 1, medical group. DMS, Florida 1, Florida 2, South Carolina 1, along with a Quincy and a Insert, will deploy to Fort Mike to provide support. Are you talking about that? अब ये एक एक ब्रांड डायरेक्टर को उनका अपना इंडिविजुअल काम एक्सप्लेन कर रहा है। अब वहां अमेरिका में कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू सब अटेंड कर रहे हैं, सब आए नहीं हुए वहां पे। मान लो कोई बेस पे है, कोई कैंप पे, कोई कहीं है, स्टेजिंग एरिया पे रखे हुए हैं, तो वहीं से वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले उसने ये पूछा प्लानिंग सेक्शन वाले ने कि आप सबको एक एक कॉपी मिल गई है। कॉपी मिल गई है तो ऑपरेशन सेक्शन चीफ ने अपना स्टार्ट करा, उसने बोला कि अपना नक्शा खोल के देखो।